इस समय आम का सीजन चल रहा है और आपने वैरायटी कई वैरायटी के आम खाए होंगे। बड़े लजीज आम आते हैं, महंगे आम आते हैं। सबसे महंगे आमों में अल्फांजो का नाम आपने सुना होगा, लेकिन मैं एक आम जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 लाख रुपया तक चली जाती है, 1 लाख से 2 लाख तक ये नीलामी करके बिकता है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है, जापान में ज्यादा बिकता है। क्या है, कौन सा ये आम है, ये कैसे फलता है, कहाँ हैं हम इस समय, ये सारी बातें हम जानेंगे रानी जी से। रानी जी और संकल्प जी इस बगीचे को तैयार किए हैं, इस आम को तैयार किए हैं, ये कौन सा आम है? ये जापानीज वैरायटी है, इसका टाइनो टमेंगो इसका नाम है, और जिसको सूरज कांगा इस आम को कहा जाता है। ये खाने में बहुत ही लजीज और बहुत शानदार आम होता है। ये आम का वेट 1 से 1.5 किलो के लगभग जाता है, और बहुत सुंदर, देखने में भी सुंदर, खाने में भी उतना ही, जैसा यथा नाम तथा गुण, उसी तरह का ये फल है। ये कितना बड़ा हो जाता है लगभग? ये लगभग 1 से 1.5 किलो ने, अभी जो है इसकी आप देख रहे हैं, इससे थोड़ा और एक कुछ और बड़ा होगा, साल अलग अलग। तो इसको उगाना कितना कठिन है, क्योंकि ये उतने ज्यादा फल इसमें नहीं दिख रहे हैं जितने आपके दूसरे आमों में दिख रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि हाइब्रिड है और अपने के एटमॉस्फेयर में अभी यहाँ लगा है, क्योंकि जापान में ये पॉली हाउस वगैरह में होता है, एक संरक्षित उसमें होता है, यहाँ पे अपने का एटमॉस्फेयर इनको वो हो रहा है। अभी बच्चे छोटे भी हैं, प्लांट्स छोटे हैं, इस वजह से इसमें 4 से 5 फल आते हैं। आगे जैसे प्लांट बड़ा होगा तो इसमें फल की तादाद भी बढ़ेगी और रोटेशन भी ज्यादा होगा। अंदर जो पल्प होता है, केवल पल्प होता है कि रेशे भी आते हैं इसमें? नहीं, पल्प रहता है, रेशा नहीं रहता है जी, सिर्फ जूसी और पल्प। तो ये आपके बगीचे में दूसरे कौन से आम हैं? इसके अलावा मेरे आम की 14 वैरायटी है, तो मलिका, आम्रपाली, जो मलिका है वो हापुस का अपर वर्जन है और काफी हॉट सेलिंग भी रहता हमारे यहाँ का, तो मलिका है, आम्रपाली, जोसा, दशहरी, लंगड़ा, और भी जापानीज वैरायटी है। इसके अलावा ब्लैक मैंगो है और पर्पल मैंगो जो $80 के 2 पीस में जाता है, वो वाला आम भी है। इसके अलावा थाईलैंड की भी कुछ वैरायटीज है आम की। तो इनमें ये जो आम है, जो एक्सक्लूसिव वैरायटी यहाँ है, क्या वो यहाँ पे खुले एटमॉस्फेयर में हो रही हैं? हाँ जी, यहाँ का वेदर उनको सूट हो रहा है और यहाँ हो रही हैं जी। अभी शुरुआत हुई है तो सभी, जहाँ मेरे यहाँ जितनी भी वैरायटीज लगी उन सभी में आम आया है जी। लगभग क्योंकि प्लांट्स छोटे है तो उस हिसाब से फ्रूट्स की वो है, जब प्लांट्स बड़े होंगे तो फिर फ्रूट की तादाद भी बढ़ेगी उनमें जी। ये काफी महंगे फल हैं, तो इसकी सुरक्षा भी करनी होती होगी। हाँ, इसके लिए हम लोगों ने नाइट गार्ड, उसके अलावा डॉग्स वगैरह, यही है अभी तो जी। तो क्या चोरी भी हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं है। जब से लोगों को ये पता लगा है कि यहाँ पे एक बड़ा एक्सक्लूसिव बहुत महंगा आम लगा हुआ है, वे इसको चुरा के ले जाते हैं, और ये सबसे बड़ी चुनौती इस फल के उत्पादन में इस परिवार को भोगनी पड़ रही है। बहरहाल, जबलपुर में ये जो काम रानी जी और संकल्प जी ने किया है, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि दुनिया का सबसे महंगा आम भी यहाँ उगाया जा सकता है, और ये सफलतापूर्वक 4-5 सालों से यहाँ उगा रहे हैं। यदि सरकार थोड़ी कोशिश करे तो ये फल यहाँ पर आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो सके, लोगों, किसानों को कर सकता है। विश्वजीत सिंह, ETB भारत, मध्य प्रदेश।